यदि आने वाले भविष्य को सुनहरा बनाना है तो वर्तमान में त्याग के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपने यूसेट 2024 यानी उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 के लिए आवेदन किया है और आपके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में कोई त्रुटि हुई है और आपको करेक्शन करना है, तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप प्रीवियस ईयर के यू सेट से संबंधित अपने विषय के प्रश्न पत्र को कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और भी अन्य जानकारियां साझा करूंगा। सत्र को अंत तक देखने की कोशिश कीजिए। तो आप जानते हैं 7 जनवरी 2024 को कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा उत्तराखंड पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन किया जाना है। इसके लिए इम्पोर्टेंट डेट्स यहां पर दी गई हैं। आवेदन 25 नवंबर 2023 से शुरू हुए थे और आखिरी डेट इसकी 20 दिसंबर 2023 है। 18 दिसंबर 2023 लास्ट डेट थी सबमिशन ऑफ फी और लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन है 20 दिसंबर 2023 यानी कल। करेक्शन इन पार्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द वेबसाइट 18 दिसंबर 2023 से 20 दिसंबर 2023। तो यदि आपने यू सेट के लिए आवेदन किया है और ऑनलाइन आवेदन करते समय आपसे कोई त्रुटि हुई है, जैसे फ़ोटो में आपको जिस डेट की आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं वह डेट लिखनी थी, या सिग्नेचर में कोई त्रुटि है, उसके अतिरिक्त नाम में, या किसी ने 1991 से पहले PhD वाले ऑप्शन को यस कर दिया था, कोई भी त्रुटि हो आप करेक्शन कर सकते हैं 18, 19 और 20 को। तो 19 और 20 दो दिन बचे हैं करेक्शन इन पार्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द वेबसाइट। उसके बाद अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड 1 जनवरी 2024 से अपलोड हो जाएंगे और डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 7 जनवरी 2024, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब हम आपको यहां पर बताते हैं कैसे आप करेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल क्रोम या किसी दूसरे ब्राउजर से यूसेट की साइट को ओपन कर सकते हैं। मैं यहां पर यूसेट की साइट को ओपन कर रहा हूं, usetonlineco.in के माध्यम से। तो आप वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी हम यहां पर साझा करेंगे आपके साथ ही कैसे आपने इस फॉर्म को करेक्शन करना है यदि आपसे कोई भी इसमें त्रुटि हुई है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ये इसकी वेबसाइट है usetonline.co.in या kunanital.nic.in से भी आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। तो इससे आप लॉगिन करने के लिए usetonline.co.in पर क्लिक करेंगे, आपको एक नया इंटरफेस खुल के आएगा, यानी इसका पोर्टल खुल जाएगा। इम्पोर्टेंट ब्रोशर्स, रजिस्टर, लॉगिन पे, फिल फॉर्म और इम्पोर्टेंट लिंक्स। यहाँ पर सिलेबस भी है, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। कई लोगों को सिलेबस नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में सिलेबस उपलब्ध है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। करेक्शन करने के लिए आप इसी पर जाएंगे, रजिस्टर, लॉगिन पे, फिल फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आगे खुलेगा इस प्रकार से, यहाँ आप जाएंगे और उसके बाद ये इंटरफेस खुल जाएगा। जिसका भी आपने फॉर्म करेक्शन करना है, रजिस्ट्रेशन आईडी आप यहाँ पर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था उसे आप डालेंगे। यदि आप भूल गए हैं तो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर और पासवर्ड करके यहाँ से आप उसे गेन कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ से, उसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मैं किसी के आवेदन फॉर्म को डेमो के तौर पर यहाँ पर दिखा रहा हूँ ताकि आप इसे समझ सकें। DOB को आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी DOB है, उसके बाद आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आईडी डाली, डेट ऑफ बर्थ डाली, पासवर्ड डाला और इसे लॉगिन कर लिया। पासवर्ड पहले से सेव था, ऑटो सेव था, डन, लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद ये इंटरफेस खुल जाएगा, डैशबोर्ड, वेलकम उसका नाम आ जाएगा, लॉग आउट का ऑप्शन आपके पास मिलेगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल इसे आयोजित करता है, तो ये खुल जाएगा। उसके बाद ये आपका यहाँ पर उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यूसेट 2024 एप्लीकेशन
डैशबोर्ड यानी एप्लीकेंट डैशबोर्ड खुल के सामने आएगा, जिसमें कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम पूरी डिटेल होगी। एडिट डिटेल्स को आप यहाँ से कर सकते हैं। यदि आपको कोई एडिट को डिटेल को फिल करना है या कोई करेक्शन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस प्रकार से ये खुल के आएगा। तो इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी कुछ भी हो आप उसे करेक्शन करके यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अगर कुछ भी अपडेट नहीं करना है तो रहने दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ से कर सकते हैं। कैटेगरी, सब कैटेगरी, मेल, फीमेल, इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ कुछ भी क्लोज कर देते हैं क्योंकि कोई करेक्शन नहीं था। उसके बाद यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करना है तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर दिखेगा, यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर जो आपने फी पे की वो दिखेगा, एप्लीकेशन स्टेटस फॉर्म फील्ड है तो हम इससे कुछ करेक्शन कर सकते हैं यहाँ से या रीप्रिंट भी कर सकते हैं। तो एडिट एप्लीकेशन डिटेल इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका पूरा एप्लीकेशन खुल के आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। ये पूरा फॉर्म है जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस, क्वालिफिकेशन एंड प्रेफरेंस, फोटो एंड सिग्नेचर, बैंक डिटेल्स, ये सब कुछ आएगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन में कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम या हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, एज ऑन दिसंबर 31, 2024, मेल, मोबाइल नंबर, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी और आर यू ए रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड, नेशनलिटी, इस प्रकार से आएगा। फिर आप कोई करेक्शन है तो उसे कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस वाला पोर्टल खुलेगा इस प्रकार से, परमानेंट एड्रेस और फुल एड्रेस ऑफ क्रोस्पेंडेंस, इसे आप करेंगे फिर नेक्स्ट जाएंगे, यदि कोई करेक्शन है तो उसे सुधारेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से आप क्वालिफिकेशन एंड प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे, यू सेट सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद पासिंग ईयर, मैक्सिमम मार्क्स, ऑप्टेन मार्क्स, परसेंट ऑफ मार्क्स सब्जेक्ट, इस प्रकार से। कई लोगों ने इसे क्लिक कर दिया है तो आप उसे अनटिक कर सकते हैं। प्लीज चेक इफ़ यू आर द पीएचडी डिग्री होल्डर्स हुज मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैड बीन कम्प्लीटेड बाय 19 सितंबर 1991। कई लोगों ने इसको क्लिक किया तो आप इसे नॉन क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आप उसे सेव कर दीजिए। फिर उसके बाद प्रेफरेंस एग्जामिनेशन सिटी, आज यहाँ से जितने भी सेंटर हैं सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रेफरेंस देना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है ये आप फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। फोटो आपका 4 KB से 40 KB के बीच होना चाहिए, सिग्नेचर आपका 4 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए। फोटो आपका वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, जिस पर जिस डेट को फोटो खींचिए उसकी तिथि और अभ्यर्थी का नाम होना चाहिए, इस प्रकार जैसे इसमें लिखा है। फिर उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और बैंक की डिटेल फिल करेंगे। बैंक की डिटेल में आप अकाउंट नंबर, री अकाउंट नंबर को टाइप करेंगे, फिर उसके बाद नेम एस पर बैंक, IFSC कोड डालेंगे, नेम वो बैंक डालेंगे, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, फिर उसके बाद कन्फर्म एंड रिव्यू कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप इससे कर सकते हैं। उसके बाद यदि प्रीवियस पे जाना चाहते हो तो इस प्रकार से प्रीवियस पे आ जाएंगे। कोई करेक्शन नहीं है तो इस प्रकार से आ जाएंगे आप, और फिर उसके बाद यहाँ से आप बैग आ सकते हैं, इस प्रकार से पूरी डिटेल देख सकते हैं। और नहीं है कुछ तो फिर आप उसके बाद इससे यहीं से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिए। इस प्रकार से अपने फॉर्म को आप पूरा कर सकते हैं, जैसे मैं पूरा कर रहा हूँ फॉर्म को, ऐसा करके आप पूरा करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, पूरे डिटेल को क्लियर करेंगे, इसे पढ़ेंगे। यू मस्ट डबल चेक ऑल योर डिटेल्स आर करेक्ट बिफोर कन्फर्मिंग, यूज प्रीवियस बटन टू चेक वेन एवर यू आर श्योर डेट एवरी इंफॉर्मेशन यू फीडेड आर करेक्ट, देन कन्फर्म, दिस विल लीड टू द प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट पेज, आफ्टर प्रीव्यू यू कैन फाइनल सबमिट, उसके बाद आप इसे यस कर देंगे। यदि आपने सब कुछ भर दिया तो रिफंड डिटेल्स एडिट सक्सेसफुली, फिर इस प्रकार से आपका ये प्रिंट आउट आ जाएगा, यानी पूरा फॉर्म आपका इस प्रकार से आ जाएगा। इसे आपने अपने पास रखना है, इसे आपने अपने पास रखना है। यहाँ पे लास्ट में आप चेक कर देंगे, इसे टिक कर देंगे और फाइनल सबमिट आप इसका कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद फिर ओके हो जाएगा, इस प्रकार से आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा और ये इस प्रकार से आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक QR कोड आएगा, इसे स्कैन करके आप अपना एप्लीकेशन ID, एप्लीकेशन डेट, नेम वगैरह देख सकते हैं। ऊपर फोटो आ जाएगी, नीचे सिग्नेचर आ जाएगा, पूरी डिटेल आपकी इस प्रकार से आ जाएगी। इसे आप प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं, PDF फॉर्म में भी रख सकते हैं, या आप किसी कंप्यूटर का पेपर भर रहे हैं तो आप
इसको प्रिंट आउट करके रख लीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी, जब आपका यूसेट क्वालिफाई हो जाएगा और आप अपना सर्टिफिकेट लेने कुमाऊं विश्वविद्यालय में जाएंगे, तो आपको समझ ये ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट और फी स्लिप को सबमिट करना होगा, तब आपको वो मिल जाएगा। इस प्रकार से आप इसे सेव कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे या मोबाइल में, कहीं भी आप इसे रख लीजिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप इसे यूनिवर्सिटी में जमा करके अपने यूसेट के सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं, या कई बार रोल नंबर वगैरह रजिस्ट्रेशन आईडी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से आप इसे सेव कर देंगे, डाउनलोड कर देंगे अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे। तो मुझे लगता है आप इसे अच्छे से समझ चुके होंगे कैसे इसको भरना था करके, ठीक है। उसके बाद आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर कई बच्चों की क्वेरी है कि यू सेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे, तो हमने यहाँ पर डाले हैं। आप यू सेट के अपने प्रश्न पत्र को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यूअर सिलेक्शन श्योर नाम से ये चैनल है, और इस पर मैंने बहुत सारे प्रश्न पत्र अपलोड किए हैं, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इस टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कॉमेंट सेक्शन मैं पिन कर दिया गया, तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स के मैक्सिमम पेपर को मैंने डाला है, आप यहाँ से इन्हें डाउनलोड करके परीक्षा के पैटर्न को समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं सभी विषयों के यहाँ पर प्रश्न पत्र हैं, यदि आप इसे अच्छे से देख पा रहे हैं तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पहले दो पेपर होते थे यू सेट में, अब यानी पहले सब्जेक्ट के दो होते थे और एक प्री होता था, यानी एक टीचिंग एप्टीट्यूड का होता था, दो सब्जेक्ट के होते थे, अब क्या होगा, एक होगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड, और दूसरा होगा सब्जेक्ट का, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन पेपर हैं, आप अपने विषय के क्वेश्चन पेपर को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग तैयारी भी कर सकते हैं। इसमें मैंने ये भी बताया था कि कौन कौन सी पुस्तकें अच्छी हैं, कैसे आप यहाँ से प्रश्न पत्रों को प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर इतने सारे प्रश्न पत्र डाले हैं। तो जिसकी भी क्वेरी है, आप अपने प्रश्न पत्र को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हम और भी अपडेट देते रहते हैं, लेटेस्ट अपडेट हम सारे यहाँ पर देते हैं किसी भी परीक्षा या जॉब से संबंधित, तो इसे आप लाइक कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक, लॉ बहुत सारे डाले हैं, तो ये सारे मैंने दिए हैं। उसके बाद हमारा टेलीग्राम के अलावा फेसबुक चैनल भी है और साथ ही व्हाट्सएप चैनल भी है, तो व्हाट्सएप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी कर सकते हैं, फेसबुक हमारा पेज है, इस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपके कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी लेटेस्ट अपडेट है उन्हें आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फेसबुक पेज है, ये देख लीजिए यूअर सेलेक्शन श्योर नाम से, यहाँ पर भी हम लेटेस्ट अपडेट देते हैं, जो भी अपडेट्स होते हैं जॉब से संबंधित या बहुत सारे अपडेट से संबंधित पोस्ट हम यहाँ पर करते हैं, चाहे जॉब हो, कोई नई परीक्षा हो या कोई न्यूज हो, करंट अफेयर्स हो, यहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं, जो आपके लिए काफ़ी मददगार होता है। कई लोग इस पे जुड़े हैं, तो आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं इस चैनल को, और अपने सुविधा के अनुसार यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे, फेसबुक पे और टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर गंगा प्रकाश वेस्पिक नाम से पेज है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारा फेसबुक पेज है, जहाँ पर हमने यू सेट और अन्य विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट दिए हैं, तो आप इसे देख लीजिए और यहाँ से आप तैयारी कीजिए। साथ में हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, टेलीग्राम के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो यहाँ पर आपके बहुत सारे डाउट्स मुझे लगता है क्लियर हो रहे होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि अन्य लोगों के काम भी ये वीडियो आ सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ, तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश वेस्पिक और यूअर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट।